भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। पश्चिम एशिया में संघर्ष को एक साल बीत चुका है और इस संघर्ष के चलते क्षेत्र में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और अधिकतर लोग अब चाहते हैं कि संघर्ष का अंत होना चाहिए ताकि लोग अपने सामान्य जीवन की तरफ लौट सके। इसराइल में रहने वाले भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वे अपने मित्र देशों रूस, ईरान और इसराइल से बात करके इस युद्ध को खत्म कराएं। इसराइल में रहने वाली भारतीय रीना विनोद पुष्करणा का कहना है कि अगर कोई इन हालात को खत्म कर सकता है तो वो मोदी जी ही हैं। रीना ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद करेंगे। पीएम मोदी की निर्णय लेने की क्षमता बदलाव ला सकती है। रीना पुष्करणा इसराइल में लंबे समय से रह रही हैं और वहां होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। रीना पुष्करणा के इसराइल में होटल है। उन्होंने कहा कि जब कोई कहता है कि भारत इसराइल का समर्थन कर रहा है तो मेरा मानना है कि भारत इसराइल का नैतिक तौर पर समर्थन कर रहा है, जैसे कि बाकी दुनिया कर रही है। मुझे लगता है कि मोदी जी आगे आएंगे और शांति लाएंगे। रीना पुष्करणा का कहना है कि युद्ध को एक साल समय बीत गया है और युद्ध खत्म होने के और बंधकों के रिहा होने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही। उन्होंने कहा कि इसराइल में पर्यटन क्षेत्र को हिंसा की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। होटल्स को चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी जिंदगी कोई नहीं चाहता और ये जरूरी है कि आतंकवाद और नफरत खत्म होनी चाहिए। लोगों के बिजनेस बंद हो रहे हैं और लोगों को आर्थिक तौर पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा खुद का होटल बिजनेस बुरी तरह से प्रभावित है। पहले कोरोना और अब संघर्ष ने हालात को काफी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। रीना ने कहा कि कोई भी पर्यटक ऐसे देश में नहीं आना चाहता जहां बम शेल्टर हकीकत बने हुए हैं। गौरतलब है कि इसराइल पर बीते मंगलवार को ही हिजबुल्ला की तरफ से 100 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट दागे गए, जिससे पश्चिम एशिया में संघर्ष और बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।